आज हमने कुछ एक्सरसाइज करने हैं क्योंकि हमने काइनेटिक्स फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिस्कस किया है जो पहले आप ये आप पहले से पढ़ चुके हैं तो अब इनको हमने अप्लाई करना है यानी प्रैक्टिस करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स तो मैं यहाँ सिर्फ आपको हैंड्स देता हूँ और फिर आपने ये ख़ुद सॉल्व करना है जो आपसे रिलेटेड है यानी इसमें तो इस में बहुत से न्यूमेरिकल्स है लेकिन वो सारे रिलेटेड नहीं है जो रेलिवेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ वो आपने खुद पर सॉल्व करने हैं इनमें से पहले में ये सी आपसे रिलेटेड है सी पार्ट इफ रेड कॉन्स्टेंट इज टू पॉइंट फोर एट इंटू टेन पावर माइनस फोर पर सेकेंड देन कैलकुलेट दाफ लाइफ एंड रिक्वायर्ड फॉर नाइनटी एट परसेंट ऑफ दी फोर इच एट टू डी कम्पोज द रेट कॉन्स्टेंट गिवन है और हाफ़ uh, लाइफ इसकी फाइंड आउट करनी है तो अब हाफ़ लाइफ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यानि जीरो ऑर्डर के लिए सेकंड uh, और फर्स्ट के लिए हमने हाफ लाइफ और रेड uh, कांस्टेंट के दरमियान रिलेशनशिप देख लिया था तो अब हमें कैसे पता चले कि हमने इस पर ज़ीरो ऑर्डर अप्लाई करना है यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देख लें यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए थे ना लाग ए ओवर ए माइनस इजिकल टू के टी और इसके लिए हाफ लाइफ ये हाफ लाइफ के साथ रिलेशनशिप है टी हाफ वन ओवर के और जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री तो रेट कॉन्स्टेंट गेवन है टी हाफ हाफ लाइफ हमने फाइंड आउट करना है तो ये इक्वेशन इस तरह से जीरो के लिए भी था और सेकंड के लिए भी था तो अब हम कौन सा यूज करेंगे इसके लिए हमने जीरो यूज करना है फर्स्ट यूज करना है या सेकंड ऑर्डर यूज करेंगे तो उसका हमें अंदाजा कैसे होगा अब यहां पर देख लिया रेड हाँ जी रेड कॉन्सेंट हाँ ठीक है अभी रेड कॉन्सेंट का यूनिट पर सेकंड गिवन है तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है क्योंकि

उट the the तो करना है प्रोडक्ट uh, में तो उसके लिए कितना टाइम लगना है ये कैलकुलेट करना है तो इसके लिए चूंकि हमें पहले पता चल गया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है तो ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हम यूज करेंगे ये वाला यूज कर लेते हैं

इस तरह फिर ये सेकंड सेकेंड एवेंट है थर्ड भी चूंकि ये अर रेलिवेंट है सारे डिटेल में हमने कनेक्ट डिस्कस नहीं किए फोर्थ नंबर पे आ जाए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर आफ्टर फाइव फोर्टी सेकेंड थर्टी टू परसेंट ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और पाँच सौ चालीस सेकेंड के बाद रिमेनिंग कंसेंट्रेशन वो है थर्टी टू परसेंट जनाब हाँ जी तो नहीं।, नहीं नहीं मैं तो अभी मेरी क्लास हो रही है साढ़े दस बजे अच्छा अब। नहीं मैंने उनको कहा था कि मेरी क्लास है तो वो फिर कह रहे थे कि आप साढ़े दस बजे के बाद आ जाएं। हाँ हाँ ठीक है सही है ये के के बाद बाद वो है तो क्या मालूम करें कैलकुलेट द रेट कॉन्सटेंट अब वही फर्स्ट इक्वेशन है तो हमें पता है फर्स्टर इक्वेशन चूंकि पहले इन्होंने बता दिया है तो यही इक्वेशन यूज करते हैं लाग ए और ए माइनस तो क्या फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है

के यहां से यूज करेंगे और टी फाइंड आउट करना है यानी पहले केस में तो टाइम गिवन था के था। के फाइंड आउट करना अब इसके लिए ये के यूज़ करेंगे यहां से और टी फाइंड आउट करना है जिस तरह ये भी हो जाएगा फिर थर्टी नंबर <coughs> ये कैसे करेंगे <coughs> The half -life of first is 30 so, करना फिर क्या है कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट तो रेड कॉन्स्टेंट और हाफ लाइफ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन और हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेड कांस्टेंट यानी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के वो इक्वेशन यूज करेंगे तो हाफ हाफ लाइफ गिवन है तो so उस इक्वेशन को यूज करते हुए रेड कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे और फिर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेंस आफ्टर 25 मिनट्स यानी a x फाइंड आउट करना है a क्या हो जाएगा 100 नहीं फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स फ्रैक्शन मींस ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए ये फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स रिमेन इज इक्वल टू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है लॉग ऑफ ए ओवर ए माइनस एक्स ये लॉग ए ओवर ए माइनस इज इक्वल तो ये ए माइनस डिवाइडेड बाय ए ये हमने फाइंड आउट करना है ये शायद हम पहले ये फाइंड आउट करना है ए ओवर ए माइनस एक्स तो इसका एंटी लाग ले लेंगे ले तो फिर ये ये वाला फाइंड आउट करना है ए माइनस ये फ्रैक्शन ऑफ द रिमेनिंग रियक्टन से और ई के टी के पहले स्टेप में मालूम कर दिया है और टाइम गिवन है कि कितने टाइम के बाद क्या टाइम है आफ्टर मिनट्स तो वो इक्वेशन यूज करते हुए ये ये न्यूमेरिकल्स भी हल हो जाएगा मिनट को सेकंड कन्वर्ट करें वो चाहे आप सेकंड में यूज करते हैं या मिनट में यूज़ करते हैं कोई मसला नहीं है जब अगर यूज़ नहीं करें तो आंसर पर मिनट में आ जाएगा रेट के लिए या पर सेकंड में थ्रू नहीं, नहीं करते हैं तो फिर सारे कन्वर्ट करने होंगे <coughs>

हाफ लाइफ जीरो के लिए डायरेक्टली रिलेटेड है फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया था वो इनडिपेंडेंट था और सेकंड ऑर्डर के लिए किया था वो इनवर्सली रिलेटेड था तो द इनिशियल सो इट मींस एज द हाफ लाइफ इज इनडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल सो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिए पहले का आंसर ये हो जाएगा

Uh, क्या फाइंड आउट हो जाएगा रेड कांस्टेंट जब रेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो फिर इससे तो भी हो जाएगा, और फिर 90%. 90 जब बन जाएगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा तो ए माइनस ए माइनस एक्स विल इक्वल टू टेन तो ए हंड्रेड ए माइनस और रेड कॉन्स्टेंट पहले से मालूम किया है इस हाफ लाइफ से तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो टाइम आपने कैलकुलेट करना है तो वो इक्वेशन यूज करते हुए यू कैन डिटरमिन दी यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशंस इस तरह फिर नंबर एट कॉपर सिक्सटी फोर एम अ बीटा पार्टिकल इन रेडियो एक्टिविटी है ये द हाफ लाइफ इज 12.8 पॉइंट एट हार एट द टाइम यू रिसीव अ साम्पल ऑफ दिस रेडियो इट हैड अ सर्टन इनिशियल एक्टिविटी दैट इज डिस इंटीग्रेशन

और रेड कांस्टेंट हाफ लाइफ से मालूम करेंगे और उसके लिए टाइम फाइंड आउट करना है तो इजी है यानी इक्वेशन है लॉग ऑफ एन नॉट डिवाइडेड बाय एन टी या एन इज इक्वल टू लेमडा टी तो टाइम फाइंड आउट करना है एन नॉट हो जाएगा हंड्रेड यानी इनिशियल और टाइम ट्वेंटी परसेंट तक एक्टिविटी डिक्रीज होनी है तो एट एन एट टी ये हो जाएगा एन टी और वो टू और रेड कॉन्सटेंट पहले से मालूम करते हैं हाफ लाइफ से इन प्रोसीड अच्छा इसी तरह ये भी है जिंक 65 हैज हाफ हाफ लाइफ लाइफ ऑफ डेज है तो इससे आप रेड कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं सो व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी रिमेंस आफ्टर हंड्रेड डेज जब हाफ हाफ लाइफ लाइफ से आउट करेंगे और फिर क्या करते हैं है. तो एन नॉट हो जाएगा हंड्रेड और एन टी फाइंड आउट करना है और टाइम हंड्रेड और इसी तरह 5 100 से फाइव तक एक हंड्रेड और एंट्री हो जाएगा 5, तो उसमें कितना टाइम लगेगा और उसके लिए रेड पहले यूज करेंगे इस तरह ये भी इजी है आसान है कर सकते हैं uranium 238 undergoes radioactive decay through a series of steps ultimately producing lead 206 in a certain rock. There are 0 0.228 gram of 2068 uh, gram of lead per gram of uranium. If we assume. क्या कहते हैं यूरेनियम अंडरगोज रेडियो एक्टिव सीरीज ऑफ स्टेप्स ये अनस्टेबल है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो ये खुद बहुत डिकम्पोज होता है एंड अल्टीमेटली प्रोड्यूसिंग अब एक, आपको एक रॉक दिया गया है जिसमें से जीरो पॉइंट ग्राम ऑफ लेड है पर ग्राम ऑफ यूरियन यूरनियम इफ अज्यूम दैट ऑल द लेड हैड इट्स ओरिजिन इन दी यू यानी इस रॉक में जितना भी लेड है हम ये एज्यूम करते हैं कि ये सारा यूरेनियम से आया है कोई अवर सोर्स नहीं है तो हाउ मच टाइम हैज इलेप्स इन द रॉक वाज़ फर्स्ट फॉर्म्ड देयर आर ग्राम पर ग्राम ऑफ यूरेनियम इसको कैसे करना है इसे ऊपर वाला रहता है अच्छा।, अच्छा यूरेनियम का मलिक उधर वेट है टू थर्टी एट

Uh, जब यूरेनियम जब इस सैंपल में ज़ीरो पॉइंट टू टू ग्राम ऑफ लेड होगा तो ये यूरेनियम से कितने टाइम में बना है यानी स्टार्ट में आपके पास रॉक में यूरेनियम था वन ग्राम उसमें कोई लेड नहीं था लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यूरेनियम अनस्टेबल है ये डिकम्पोज हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद इस रॉक में लेड भी बन जाएंगे क्योंकि ये यूरेनियम अनस्टेबल है और कितना बन जाएगा लेड वो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू टू एट ग्राम तो अब ये कहते हैं कि इस इतना लेड बनने के लिए कितना टाइम लगा है तो पहला तो ये करेंगे हाफ लाइफ गिवन है हाफ कॉन्स्टेंट गिवन है अच्छा रेड कॉन्स्टेंट गिवन है तो आपने क्या करना है टाइम फाइंड आउट करना है तो हमें अब एन नॉट चाहिए इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स तो अगर स्टार्ट में हम सिर्फ यूरेनियम ले लेते हैं और वन ग्राम ले लेते हैं यानी टू थर्टी एट ग्राम यूरिनियम हो जाए तो टू थर्टी एट इसमें फिर नंबर ऑफ यानी वन ग्राम में कितने मोल्स होंगे टू थर्टी एट ग्राम इज इक्वल टू वन मोल तो वन ग्राम कितने मोल के बराबर हो जाएगा सो वन थर्टी वन डिवाइड बाई टू थर्टी एट टू थर्टी एट ग्राम इज इक्वल टू वन मोल

तो 0.02 ग्राम कितने मोल के हो जाएंगे तो 0 0.0 जीरो पॉइंट मल्टीप्लाइड अब ये एटम्स ऑफ द लेड ये यूरेनियम से आए हैं तो ये एटम्स यहाँ से जितने पार्टिकल्स आते हैं वो यूरेनियम से माइनस करेंगे तो वो रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम हो जाएंगे तो स्टार्ट वाले भी आ जाएंगे एन नॉट और रिमेनिंग एंटी वो भी आ जाएंगे और फिर रेट रेट कांस्टेंट गिवन है तो टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है समझ आ गया है? एक फिर तो नहीं, अच्छा क्वेश्चन क्या है देखिए आपके पास एक रॉक है और इस रॉक में लेड भी है और यूरेनियम भी है और ये अज्यूम करते हैं कि ये लेड सारा का सारा ये यूरेनियम से आया है अब जो रॉक है उसमें यूरेनियम लेड कितना है 0.228 ग्राम ऑफ लेड पर ग्राम ऑफ यूरेनियम यानी जब आप 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम लेते हैं तो इसमें इतना ग्राम लेड होगा तो अब अब इनिशियल में अगर हम ले लेते हैं यूरेनियम के नंबर ऑफ एटम स्टार्ट में जिसमें ये ना हो लेड ना हो तो 1 ग्राम में कितने एटम्स ऑफ यूरेनियम होंगे तो देखिए 238 मॉलिक्यूलर वेट गिवन है सो तो 238 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल तो वन ग्राम कितना हो जाएगा वन डिवाइडी एट ये हो जाएंगे मोल्स और फिर जब इसको नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स हो जाएंगे इस तरह इसके भी नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर ऑफ एटम्स आए हैं यूरेनियम से तो इसका मतलब जितने ये बने हैं उतने ही यूरेनियम में कमी आएगी तो इसके जितने नंबर ऑफ एटम्स है वो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम से माइनस कर लेते हैं तो जो रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम हो जाएगा वो एन हो जाएगा और जो इनिशियल है वो एन नॉट है तो एन नॉट भी हो गया nT भी हो गया और रेड कांस्टेंट गिवन है तो टाइम अपने फाइंड आउट करना है कार्बन ये भी इसी तरह है लिविंग मैटर मेंटेन्स लेवल ऑफ कार्बन फोर्टीन देर प्रोड्यूस पर मिनट फॉर ईच ग्राम ऑफ कार्बन Uh, that organisms no longer exchange carbon with carbon dioxide in the atmosphere, so that the amount of carbon14 and dead material decreases with the time due to decay. A 0.4 gram sample of carbon from wheat taken from an Egyptian exhibition exhibited three disintegration per minute. पहला रेट जो वो है 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट है फॉर ईच ग्राम ऑफ कार्बन तो ये आपका हो जाएगा एन नॉट हाँ जी इनिशियल एक्टिविटी या इनिशियल रेट वो है 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट और Living matters maintains Dead organism no longer extends carbon. So that the amount of carbon 0 0.4 gram of sample of carbon from wheat taken. Three in disintegrations. So, कैसे करना है इसमें मैं सोच लेता इसको मैं हल कर लेता हूं ये वाला इस पर जरा सोच लेते हैं ना आगे चलते हैं आगे क्या है ये एरेलीवेंट है ये भी अर रेलिवेंट अच्छा ये नंबर अ डिकम्पोज इज अकॉर्डिंग टू अ सेकेंड ऑर्डर रेट लॉ सेकेंड ऑर्डर इफ द रेट कॉन्स्टेंट इज सिक्स पॉइंट एट इंट्री पर माइनस फोर लीटर पर मोल पर सेकेंड कैलकुलेट द हाफ लाइफ तो रेट कांस्टेंट गिवन है हाफ लाइफ फाइंड आउट करना है तो सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशनशिप है वो लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं क्या था वो याद है किसी को इनवर्स इनवर्स है के देखर्स हाँ K over yeah, initial yeah. Concentrations. तो वही इक्वेशन को यूज कर लेते हैं

और फिर चेंज करते हैं इस केस में जीरो पॉइंट था अब इसको जीरो पॉइंट जीरो फोर्टी परसेंट कम्पलीशन के लिए कितना टाइम लगेगा यहां पर फोर्टी परसेंट के लिए वन ट्वेंटी मिनट्स लगे हैं जब इनिशियल कंसेंट्रेशन ये दोनों गिवन है तो और फिर आपसे ये पूछा सेकंड में ये है कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 हो जाए तो फिर 40 परसेंट के कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा तो वही इक्वेशन यूज़ करेंगे सेम कंसंट्रेशन वाला एक्स डिड बाई एक्स डिड बाई एंटू एस एक्सलू के टी तो ए माइनस एक्स फोर्टी और ए हंड्रेड और रेट कॉन्सटेंट पहले से और इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं ए हंड्रेड नहीं ए ये यूज़ करेंगे अच्छा ये इसमें भी एक बात है देखिए अभी ये ए हमारे पास जीरो टू है तो जीरो टू का फोर्टी परसेंट तो क्या हो जाएगा फोर्टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई जीरो हो जाएगा एक्स के बराबर हो जाएगा फोर्टी परसेंट ऑफ क्या हो जाएगा फोर्टी डिड हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई दिस जीरो टू तो इससे आ जाएगा एक्स इस तरह इस केस में फोर्टी डिवाइड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई जीरो हंड्रेड इसमें यूज नहीं करना है ये अगर ये जीरो पॉइंट जीरो टू नहीं दिया होता तो फिर हंड्रेड यूज करेंगे तो चूंकि फिर उस केस में हम इनिशियल कंसेंट्रेशन हंड्रेड लेंगे लेकिन ये तो कहा है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन जीरो पॉइंट जीरो टू है तो इसे हंड्रेड यूज नहीं करेंगे

ऑफ हाइड्रोजन फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री लिया गया है और इनिशियल NO फोर्टी लिया गया है और रेट उसका है इनिशियल प्रेशर सेम रखा गया है हाइड्रोजन का और दूसरे का चेंज किया है और फिर ये इसका रेट है तीसरे एक्सपेरिमेंट में इसको चेंज किया है यानी थर्टी एट के साथ फिफ्टी थ्री के साथ और ये रेट है फिर फोर्थ में ये चेंज किया है और ये वाला सेम रखा गया है तो करना क्या है वट आर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन ओ और एच टू कैसे फाइंड आउट करेंगे तो एज यू नो रेट इज इक्वल टू के और कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टन ए कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टन बी तो क्या हो जाएगा यानी रेट

और ये हो जाएगा यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पावर एन सर आपकी okay, तो तो हाँ बात बिल्कुल सही है चलो इसको इक्वेशन ले अगर हम लेते हैं तो इसका फॉर एग्जांपल ए का ऑर्डर हो जाएगा एम और बी का पावर हो जाए एन ये जनरल इक्वेशन हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के ए पावर एम और बी पावर एन तो ये m और एन को हमने फाइंड आउट करना है इसमें मैं इस लिख सकता हूं यानी ये हो जाएगा एम ये पावर में नहीं जा रहा है इस, इसका पावर एम हो जाएगा और इसका पावर एन हो जाएगा तो ये एम और एन को फाइंड आउट करना है तो एक दफा रेड की वैल्यू गिवन है वो ले लेते हैं और के, के ही लिखेंगे और इसकी वैल्यू बी की पावर एम और दूसरी की भी पावर एन ले, आ जाएगा ये है टाइम देखिए पहले ये लेते ले हैं ना जीरो पॉइंट जीरो सेवन इज इक्वल टू के और फिफ्टी थ्री पावर एम एंड फोर्टी पावर एन ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन फिर जीरो पॉइंट जीरो थ्री थ्री इज इक्वल टू फिफ्टी पावर एम एंड ट्वेंटी पावर एन ये हो जाएगा इक्वेशन टू अब इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर लेते हैं तो जब को एक, एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो के और के बी कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा एम वाला भी कैंसिल हो जाएगा तो एक तो हमारे पास रह जाएगा फोर्टी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी पावर एन इक्वल टू वन थर्टी जीरो पॉइंट वन थ्री सेवन तो अब एन को फाइंड आउट करना है तो इस पर सिंपल हो जाएगा यानी डिवाइडेड पावर एन के लिए इसको सॉल्व करना है इसी तरह फिर दूसरी के लिए ये इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा पहले इसके लिए इज टू थर्टी एट पॉइंट फाइव पावर एन मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टी थ्री पॉइंट एन दूसरा इक्वेशन जीरो पॉइंट वन जीरो टू के नाइनटीन पॉइंट सिक्स पावर एम और 53.3 पावर n तो अब 1 को एक से एक को 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो k और k कैंसिल हो जाएंगे और ये n और n वाला टर्म भी खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 38.5 पावर m डिवाइड बाय 19.6 पावर m या 38.5 डिवाइड बाय 19.6 पावर m इज इक्वल टू 0.213 डिवाइड बाय 0.15 तो अब इसको m के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO और विद रिस्पेक्ट टू H2 मालूम हो जाएगा और ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा दोनों को सम कर लेते हैं m plus n तो वो हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर इसी तरह बिल्कुल एग्जैक्टली exactly इसी तरह ये भी है इसमें से ये दो पहले लेते हैं तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो इससे हमारे पास m का आ जाएगा लेकिन वो n के लिए तो कैंसिल नहीं होगा तो फिर उनमें से कोई से दो ले, ले लेते हैं यानी पहले वाले दो ले लेंगे और इसमें एम की वैल्यू तो हमें मालूम है तो एन फाइंड आउट कर लेंगे तो ये उसी की तरह है आप ट्राई कर ले अगर कोई मसला होगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे अब ये दो इनिशियल है और दो हाफ लाइफ है तो आ, इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए एक फार्मूला हमने डिराइव करना होगा यानी आर गिवन कैसे करते हैं

नहीं रेट कांस्टेंट फिर कैसे निकालेंगे ना अगर हाफ है इसको तो के ओवर अह 1 ओवर के सर इनिशियल कंसीडरेशन भी दी हुई है और हां ठीक है हां ठीक है एरर यानी के इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय ए आप ऐसे क्यों बनो नंबर के सही है ठीक है बिल्कुल आपकी बात सही है उसी तरह कल कर सकते तो What is the R refraction? तो so R refraction कैसे find करो? As the half life is inversely proportional to concentrations. So therefore this reaction is a second order reactions. ये लेकिन ये first के लिए. और पर equation को use करते हुए, कोई भी use कर लेते तो उसे अब वही 40 minutes के हो गए, मज़िद इसमें मेरा ख़लेबी बंद हो जाएगा हाँ.